न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बेलीपार थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप के मैनेजर की हत्या कर बदमाशों ने लूटे 11 लाख रुपए। तफ्तीश में जुटी पुलिस। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा जल्द होगा मामले का खुलासा। आगरा का नाम बदलने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से मांगा गया प्रमाण। आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा इस संबंध में इतिहास विभाग की गई है कमेटी गठित, कुछ भी कहना होगा जल्दबाजी। आरोग्य मंदिर में नेचुरोपैथी डे पर मिट्टी के लेप का टूटा एशियन रिकॉर्ड। कुल 508 लोगों ने सर्वांग मिट्टी लेप लगाकर बनाया नया एशियन रिकॉर्ड। राज्य के विश्वविद्यालयों में कॉमन मिनिमम सिलेबस को लेकर निर्धारण समिति की हुई बैठक। अगले सत्र में विश्वविद्यालयों में कॉमन मिनिमम सिलेबस लागू होने पर बनी सहमति। हरदोई से देवरिया कोर्ट में पेशी पर आए शातिर अपराधी को होटल में रंगरेलियां मनाते कैंट पुलिस ने पकड़ा। साथ में हरदोई पुलिस भी रही शामिल। बेसिक शिक्षा परिषद के छात्रों को मंडलायुक्त ने किया निःशुल्क स्वेटर का वितरण। कहा शासन के निर्देश पर परिषदीय स्कूलों के बच्चों को मुहैया कराई जा रही है हर सुविधा ताकि पढ़ लिख कर करें ऊंचा मुकाम हासिल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान की बैठक। श्रम योगी मानधन योजना के श्रमिकों को जोड़े जाने सहित डेंगू और संचारी रोगों पर काबू पाने के दिए निर्देश। राज्य के विश्वविद्यालयों में कॉमन मिनिमम सिलेबस लागू करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुई निर्धारण समिति की बैठक। समिति की 70% संस्कृतियों को विश्वविद्यालय में लागू करना अनिवार्य। बेसिक शिक्षा परिषद के 3 दिवसीय 33वें मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ आगाज। मंडलायुक्त ने कहा लक्ष्य निर्धारित कर करें सफलता हासिल। भविष्य निधि कोष के धन के घोटाले के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 13वें दिन भी किया कार्य बहिष्कार, जताया विरोध। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महिला सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे छात्र आत्मरक्षा अभियान मिशन साहसी कार्यक्रम का हुआ समापन। छात्राओं द्वारा सीखे गए तकनीकों का सामूहिक किया गया प्रदर्शन। लखनऊ में रविवार को गोमती नदी में छलांग लगाई युवती को गोरखपुर के हम है ना संस्था के संयोजक तथा लखनऊ डालीगंज के चौकी प्रभारी ने वर्दी उतारकर नदी में कूद कर निकाला बाहर। दुर्भाग्यवश युवती की हुई मौत, लेकिन चौकी प्रभारी की दिलेरी की हो रही है चारों तरफ चर्चा। DVNPG कॉलेज के कला संकाय के छात्रों के परिचय समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर उनकी प्रतिमा की साफ सफाई। दीप प्रज्वलन कर किया याद, उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। और 7 सूत्रीय मांग को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन।